फिर अभी देख, अभी मामला क्या है कि जब तय हो गया कि एफआईआर मामले में जब उनसे ये जब 38 और इसके मामले में मेरा गिरफ्तारी किया, जब साफ हो गया कि ये तय है कि अदालत के द्वारा जो है हमें अदालत ही मुद्दई है और अदालत ही फैसला कर रहा है, वो क्यों बिल देगा? तो हम इस तरह से बहुत बार हम समझाने का आप लोगों को प्रयास कर रहे हैं। आज 24वें दिन अनशन हो गया और भ्रष्टाचारी अधिकारियों का कान पर जू तक नहीं रहना है, और खास करके ये बात है कि रविकांत चौरसिया जी का जो काम है वो संदेहास्पद स्थिति में, और अभी तक आज भी 3 दिन से सांसद यहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं, फिर भी ना तो एक बार बात उठी और ना तो मीडिया में सवाल उठ रहा है, तो ये तो सोचने वाली बात है। मेडिकल के नाम पर एक दिन जो है आए थे हॉस्पिटल से, उसके बाद सदर अस्पताल, उसके बाद कोई नहीं आया। मैं समानों से बार बताता हूँ, ये ईश्वर की कृपा है कि मैं स्वस्थ हूँ। और मुख्य रूप से अब जनता के नाम संदेश तुम्हें ये प्रसारित करना है कि हमें भ्रष्टाचारी अधिकारियों से लड़ने में कोई अतरा, सब लोगों का सहमति था कि पिछले 2 साल से हम प्रयास कर रहे थे कि इस मामले को उस तह तक लाया जाए कि आखिर वास्तव में इस षड्यंत्र का षड्यंत्रकर्ता कौन है। आवेदक में मैं भी लिख सकता था कि एडीजे वन शैलेंद्र कुमार, मैं उसका नाम जानता हूँ, और वो दोनों मामले में वही आवेदक था, जेल का एक साजिश मात्र था। 3 घंटे तक उन सामाजिक कार्यकर्ताओं के सामने वहां पर, जब 3 घंटे तक तुम भी वहां पर था, ये बताया जा रहा था कि मैडम भेज रही है आवेदन। मैडम दैट मीन्स समझ लो कि मुख्य अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया, और आवेदन आता है एक साधारण कर्मचारी चपरासी का, और वो भी दूसरा आदमी लेके आता है, ये कितने बड़े संदेहास्पद की बात है। तो राष्ट्र के नाम संदेश ये है कि मैं आपके भविष्य के लिए अपना वर्तमान खो रहा हूँ। आज 24 दिन से मैं स्वस्थ हूँ, ये ईश्वरीय कृपा है और माँ भारती के नमक का कमाल है। उन तमाम मीडिया बंधुओं को सूचित करना चाहता हूँ कि आज 24 दिन अनशन के बावजूद भी मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन मैंने उस अदालत को, जो कि बिहार में भ्रष्टाचार की अम्मा है, उस अदालत का चेहरा बेनकाब कर दिया है। वो अदालत हिंसक भी हो सकता है, ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जिस अदालत मुझे बार बार वो जज चैलेंज करता था शैलेंद्र कुमार कि मैं तुम्हें सुसाइड करने पर बाध्य कर दूंगा, और मैंने उसे बाध्य कर दिया एक साधारण सा सिपाही होने के बावजूद कि वो हम पर हमला कर दे, अदालत भी हमलावर हो सकती है। मैं हंस रहा हूँ, और ये बात तुम्हें करना है अब आगे, और बाकी ईश्वर की कृपा से मैं चाहूंगा कि तुम डीएम को अब पत्र लिखो कि मैंने जो मांग किया था कि अपने लिए इच्छा मृत्यु का, उस वरदान पर कायम रहते हुए तुम लोगों की पढ़ाई बाधित ना हो, तुम लोग यहाँ से लखनऊ चले जाओ और डीएम से अनुमति लेके जाओ। तो यही हम लोग जो देख रहे हैं डीएम के ऑफिस के सामने प्रदर्शन करने का, यही आपकी बात? डीएम के ऑफिस के सामने प्रदर्शन करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि जो थॉट है कि जो जिला अधिकारी हैं वो हमारे लिए सर्वे सर्वा हैं। एक विश्वास होता है जिला में कि जिला अधिकारी और जो पुलिस अधीक्षक महोदय होते हैं, लेकिन उस दिन के कांड में जब 4 घंटे थाना पर बैठे रहे और जो पुलिस निरीक्षक सुनील कुमार सिंह जो वहां पर आए, उनका साफ दबाव था कि मैं आवेदन ना दूं, लेकिन ये तो तय है कि मैं तो आवेदन तो दूंगा किसी भी हाल में, और आवेदन का आपका अच्छा खिंचा निकल के सामने आ गया। जब वो थाना प्रभारी इतना दबाव में सहमत होते हुए तमाम जो है जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए मुझे हाबत हाजत में भी बंद नहीं करता है, लेकिन उन लोगों को मुझे पहचान करवाने नहीं ले जाता जो हमलावर है। सीसीटीवी आपके सामने है, फिर भी आप इस तरह से कार्रवाई करते हैं, तो संदेहास्पद भी है, करना चाहिए, जनता को करना चाहिए, यही मुझे आशा है। ठीक है जी, और कोई खास?